राजस्व टीम के जो एसडीएम सुल्तानपुर है इनको मोटी रकम चाहिए, अब मोटी रकम दिया कहां से जाए। जी हाँ, मोटी रकम नहीं मिली तो एसडीएम और कोतवाल साहब ने सपा विधायक ताहिर खां को पानी पिला दिया। ऐसा छापा मारा कि विधायक जी बिलबिला उठ। मीडिया के सामने रिश्वतखोरी का इल्जाम लगा रहे विधायक का साफ कहना है कि सुल्तानपुर के एसडीएम और कोतवाल मोटी रकम वाले हैं। मोटी रकम न मिलने पर किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद का, जहां इसौली सपा विधायक ताहिर खां की पशु बाजार है। एसडीएम सीपी पाठक और कोतवाल राम आशीष उपाध्याय ने शनिवार को अचानक विधायक की पशु बाजार में छापामारी की। आरोप है इस दौरान किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। विधायक ताहिर खां का कहना है कि उनकी पशु बाजार का लाइसेंस है, लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया में है। मोटी रकम के लिए एसडीएम और कोतवाल नवीनीकरण की रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं। पैरवी करने पर सांसद और एसपी का नाम लेते हैं, कहते हैं बहुत दबाव है। पशु बाजार का लाइसेंस सन 1973 से कंटिन्यू चला रहा है। बीच में लॉकडाउन की वजह से दो तीन महीने ब्रेक हो गया था। लाइसेंस की प्रक्रिया जो है आज अंडर प्रोसीडिंग में, 31 मार्च तक लाइसेंस की डेट थी, 15 मार्च को अप्लाई कर दिया गया। अंडर प्रोसीडिंग में जब कोई फाइल होती है तो उसको संविधान के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है और केंद्र सरकार की जो मंशा है कि 31 मार्च तक लाइसेंस हर हाल में इनको ओके कर देना चाहिए था। जब 15 मार्च को जो है हमारे परिवार के मोहम्मद जाकिर ने अप्लाई किया तो नहीं किया उसको। आज अभी करीब 10:30 से 12 के बीच में इन लोगों ने छापा मार करके और व्यापारियों को, जो बेचारे किसान हैं, जो बकरी दूध देती है उन किसानों को, जो भेड़ के व्यापारी हैं, जो बेचारे खेतों में जिससे हमारी उपज बढ़ती है, उनको इन्होंने खदेड़ खदेड़ मारा बिना किसी नोटिस के। एसडीएम सुल्तानपुर और कोतवाल भारी फोर्स के साथ आए और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, व्यापारियों का उत्पीड़न किया, मारा उनको, जो कि इनको मालूम होना चाहिए और प्रशासन को मालूम है, मगर राजस्व टीम ने भी पूरा निरीक्षण कर लिया, कोतवाल ने भी निरीक्षण कर लिया, मगर राजस्व टीम के जो एसडीएम सुल्तानपुर है इनको मोटी रकम चाहिए। ये जो लाल पीताशाही लोग हैं, कुछ जिनकी वजह से जो बार बार सांसद का नाम लेकर के, एसपी डीएम का नाम लेकर के, ये जो कर्मचारी सेकंड ऑफिसर सेकंड ग्रेड के अफसर है, पीसीएस अधिकारी या कोतवाल, ये एसडीएम और एसपी का नाम लेकर बार बार मौजूदा सांसद का नाम लेकर के, सांसद जो है यहां से दबाव है दबाव है दबाव है, सरकार की मंशा है, मंशा के विपरीत जो है किसानों का उत्पीड़न। हम इस लड़ाई को सुल्तानपुर से लेकर दिल्ली तक लड़ेंगे। वही जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह और उनके पति शिव कुमार सिंह भी पशुपालकों के समर्थन पे नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत सुल्तानपुर किसी के दबाव में नहीं है। विधायक ताहिर खां की पशु बाजार का लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया में है। अन्य विभागों की रिपोर्ट आ गई है, लेकिन कोतवाल और एसडीएम की रिपोर्ट नहीं आई है। जैसे ही इनकी रिपोर्ट आएगी, लाइसेंस का नवीनीकरण कर दिया जाएगा। हमारे जिला पंचायत कार्यालय में सारी प्रक्रियाओं के आवेदन किया गया है और जो पशु बाजार का था उसमें हमारी और सब की रिपोर्टें आ गई है, केवल एसडीएम की और सदर कोतवाल की रिपोर्टें में आनी बाकी है। हमने अपने अभी कर्मचारी सभी मैडम ने पूछा, उसमें आया कि मतलब सब जगह से हो गया है, केवल जैसे भी उनका आ जाता है जो स्पष्टीकरण है कोतवाल का, एसडीएम का, उन्हीं के स्तर पर रुका था, हमारे यहाँ जैसे आएंगे तुरंत जारी कर देंगे, हमको कोई दिक्कत तो है नहीं। फिलहाल सपा विधायक ताहिर खां की पशु बाजार को लेकर सुल्तानपुर की सियासत गर्मा उठी है, तलवारें निकल गई हैं। अंजाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।